हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्थली। गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी क्लास नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट ईमेल्स एंड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो गाइज, ये जो क्लास है ये आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्लास है। इसका एक क्लास हमने कल कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से आईसीटी का मीनिंग क्या है, और कुछ बेसिक्स मैंने वहाँ पे आपको क्लियर किए थे, और कुछ वर्ड्स थे जिनका फुल फॉर्म वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसका जो पार्ट 2 है उसको यहाँ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे इंटरनेट। सो इंटरनेट क्या होता है, इसमें हम देखते हैं इंटर जो नेट का मतलब है। देखिए, नेट का जो शब्द का मतलब होता है वो होता है एक जाल या नेटवर्क। तो नेट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, नेटवर्क से। एंड इंटर का मतलब है जो आपस में कनेक्टेड हैं। द वर्ड इंटरनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंटरनेट नेटवर्किंग विच इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स कनेक्टेड बाई इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेज दैट फंक्शन एज अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। सो इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा सिंगल लार्ज नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल नेटवर्क आपस में इंटर कनेक्ट रहते हैं। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये किसी और का कंप्यूटर है, ये अमेरिका में है, कोई आपका जर्मनी में है। तो ये सब आपस में क्या रहते हैं, इंटर कनेक्टेड रहते हैं, और ये इस तरह से इंफॉर्मेशन को आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो इंटरनेट एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा नेटवर्क होता है जो बिलियंस ऑफ बिलियंस कंप्यूटर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारा कंप्यूटर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे हम अपना फोन से भी चला लेते हैं, ठीक है, तो वो सब भी क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट से हम क्या करते हैं, एसेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई पर्सन है तो हम उसके साथ भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम सारी वो चीज़ें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन पॉसिबल होती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सो मैनी थिंग्स हम इस पर कर सकते हैं। सो नेटवर्क, अब तो फिर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट जब नेटवर्क का कलेक्शन है तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टर्मिनल्स। बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, जैसे हम एक बस से जब जाते हैं तो बस क्या होता है, एक स्टॉप पे रुकती है बस, फिर दूसरे स्टॉप पे रुकती है, तो हम क्या कहते हैं, ये टर्मिनल्स हैं छोटे छोटे। तो ये टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरी बस भी आती है, वो इधर से जाती है, तो ये सब क्या रहते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। इसमें कंप्यूटर सर्वर एंड कंपोनेंट्स विच अलाउ फॉर द इजी फ्लो ऑफ डेटा एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन वन अनदर। यानी एक कंप्यूटर दूसरे के साथ हम जहाँ पे क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं। फ्लो ऑफ डेटा, इजी फ्लो ऑफ डेटा, यूज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन वन अदर, इन सिंपल वर्ड्स हम बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझें, अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टूगेदर। तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क का मतलब क्या है, कि एक कंप्यूटर से दूसरे ग्रुप के जो कंप्यूटर हैं वो जो आपस में कनेक्ट होते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जिस जो सिस्टम से ये कनेक्ट होते हैं वो क्या है, नेटवर्क है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इंटरनेट क्या है, जो कनेक्ट करता है ग्लोबली, ग्लोबल का मतलब पूरे ही विश्व के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्विस मिलियन ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। पूरी ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं, इस कुछ प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब कुछ सर्टिन रूल्स होते हैं, उन रूल्स का फॉलो करते हुए आपस में ये कंप्यूटर क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो हम इस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इट इज प्रोबली द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क कई तरह का होता है, जैसे हम लोकल लेवल पे नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। मैन होता है, वेन होता है, वेन का मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कौन सा एरिया कहलाता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो जो वाइल्ड एरिया का नेटवर्क का मतलब है, अगर हम ये कहें कि ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ठीक है, और इस ग्लोब को अगर हम 4 पार्ट में बांट दें, कि ये आपका अमेरिका है, ठीक है, ये भी आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका यूरोप आ गया, ये आपका मान लीजिए, चलिए हम इधर
अफ्रीका ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह से इसको चार पार्ट में डिवाइड करूं, है तो और भी ऑस्ट्रेलिया भी आपका, तो अब यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, यहाँ पे कोई कंप्यूटर, ये आपस में हमें कनेक्ट करने हैं, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो हम उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। तो जो वैन है, वैन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर, हम कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर को हम बहुत बड़े लेवल पे कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैन एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट क्या है, एक वैन टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए इंटरनेट क्रिएटेड एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी ARPA इन रिस्पॉन्स टू द सोवियत यूनियन लॉन्चिंग स्पुतनिक इन 1957, ठीक है। तो जो अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क को एप्रानेट का जहां से स्टार्टिंग किया गया था, और फिर उसके बाद इसका अगर आप पूरा हिस्ट्री देखना चाहें तो धीरे धीरे 1957 से शुरू हुआ, फिर आगे आपका 69, और इस तरह से धीरे 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 ये बढ़ता गया। और देखा जाए तो 1995 में ये सभी के लिए क्या हो गया, अवेलेबल हो गया कि सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो द नेटवर्क इज प्रॉपरली नोन एज एप्रानेट, तो जो अमेरिका में शुरू किया गया था उसको एप्रानेट बोला। द कंप्लीट नेटवर्क इंक्लूडिंग द बैकबोन एंड द रीजनल नेटवर्क वाज कॉल्ड NSF नेट कहा गया। नंबर ऑफ नेटवर्क मशीन एंड यूजर्स कनेक्टेड टू द एप्रानेट ग्रो रैपिडली आफ्टर TCP/IP बिकम द ओनली ऑफिशियल प्रोटोकॉल 1 January 1983। तो जो TCP है और जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, तो ये 1983 में क्या हुआ कि ये इसको यूज किया जाने लगा। फाइनली अ ग्लोबल नेटवर्क वॉज क्रिएटेड विच कनेक्टेड ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क अराउंड द ग्लोबल एंड द पॉपुलरली नोन एज द इंटरनेट। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इसको सिर्फ यूएसए, सोवियत, इन सब लोग, इन्हीं सब ने यूज किया, लेकिन फाइनली बाद में जब इसको ग्लोबली बनाया गया था तो वो डेट था 15 अगस्त 1995, जब सभी के लिए ये गेटवे जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है आप ध्यान रखेंगे, यूएसए से हुई है, जिसको एप्रानेट कहा गया था। फिर धीरे धीरे 1972 में ईमेल का स्टार्टिंग हुआ, 1973 में TCP और ये सब का यूज होना शुरू हो गया। 1983 में भी इसको आगे बढ़ाया गया, फिर धीरे धीरे 1986 में NSF ने इसको लॉन्च किया बहुत बड़े लेवल पे, फिनलैंड में पहुंचा। तो इस तरह से धीरे 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 इसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होता गया, और फाइनली इसको बाकी लोगों के यूज करने के लिए अवेलेबल कर दिया गया। स्टार्टिंग में ये सिर्फ मिलिट्री या फिर सिर्फ डिफेंस वगैरह में ही यूज होता था, लेकिन फाइनली ये सबके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। IP एड्रेस इज हैज द एबिलिटी टू सेंड IP पैकेज टू ऑल अदर मशीन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो IP पैकेजेस क्या रहते हैं, जिसमें हम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं जो एक मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, जो एक मशीन से दूसरी मशीन में हम सेंड करते हैं। द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स ऑफ डेटा विच नीड टू बी मूव्ड बिटवीन टू स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई फाइल भेजना चाह रही हूँ, जिसमें मैं कोई ईमेल करना चाह रही हूँ, तो या फिर मैं आपको कोई अपना फोटो भेजना चाह रही हूँ, कोई पिक्चर भेजना चाह रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रही हूँ, तो मेरी जो कंप्यूटर में जो डेटा होगा उस डेटा को मैं क्या करूंगी, मूव करूंगी, और मूव करके मैं किसके कंप्यूटर में भेजूंगी, इसको आपके कंप्यूटर में भेजूंगी। तो इन सबके लिए क्या होगा कि मुझे कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो इसका पर्पज क्या है कि शेयरिंग करना, यानी कि इसका पर्पज होता है कि हम जब कुछ शेयर करने के लिए इसको भेजते हैं तो शेयरिंग इसका पर्पज होता है। फॉर सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कॉमा मे बी रिक्वायर्ड टू थिंग्स एंड दे आर एज फॉलो। तो इसके कुछ क्या रहते हैं कि कुछ थिंग्स होती हैं जो रिक्वायर होती हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। नंबर वन इसमें क्या है कि जब मान लीजिए क्या चीजें चाहिए, अगर मुझे आपको कोई फाइल भेजनी है तो मुझे क्या चाहिए, तो सबसे पहला मुझे क्या चाहिए कि मुझे एड्रेस चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। आप मुझे बताओगे कि दिस इज माई ईमेल ID ABC
और @gmail.com या yahoo.com कुछ भी आप बताएंगे। तो ये क्या दिया आपने मुझे, एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पे मैं आपको आपको कोई फाइल भेजूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं कि किसी को कोई लेटर भेजते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एक उसमें एनवेलप लेते हैं और उसको जाकर उसको वहाँ पे एड्रेस लिख के सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यही काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, संचार करने के लिए हमको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। एड्रेस के बाद अ सिक्योर मीन्स ऑफ मूविंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी कि जब हम भेजेंगे तो किस में भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हैं। वी नीड रूल्स ऑफ सेंडिंग द रिसीविंग फाइल्स, है ना, हम यहाँ से सेंड करते हैं और वहां पे कोई रिसीव करता है। तो यहाँ पे दे आर बेसिकली टू सेट ऑफ रूल्स ऑफ पर्पस सच एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि TCP क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी को जब हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं उससे रिलेटेड रूल्स, तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं IP। तो यहाँ पे हमें दो तरह का, एक तो ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल चाहिए, दूसरा इंटरनेट के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह के दो प्रोटोकॉल हमको नीड होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट पे, तो दिस इज द TCP एंड IP। इसके बाद TCP इज द डेटा इन टू डेटा पैकेट ऑफ द पैकेट टू ऑफ द पर्पज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, यानी कि जो TCP का यहाँ पे पर्पज क्या है कि डेटा को सेंड करना और डेटा को रिसीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि इसका क्या यूज है। इन एडिशन द रूल्स ऑफ रिजेंबलिंग डेटा एंड डीमेस फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी आर ऑल्सो स्पेसिफाइड। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो आपको वहां क्या होता है, फ्री डिलीवरी रहता है, आपको वहां पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। द रूल ऑफ IP इज टू पुट डेस्टिनेशन, ठीक है, एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सच पैकेट्स। तो जब हम IP का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब हम कोई पैकेट अपना भेज रहे हैं तो वहां पे हम किस तरह से एड्रेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। द एड्रेस कैन बी टिपिकली रिटन एज यूजर @host.domain, जैसे मान लीजिए यूजर का नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है ज्ञान स्थली, ठीक है, तो ज्ञान स्थली, अब यहाँ पे @ अब यहाँ पे किसको भेजना चाह रहे हैं, तो gmail.com। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यूजर उसके बाद @ उसके बाद होस्ट का नाम और उसके बाद डॉट लगा के डोमेन का नाम लिख देते हैं। तो ये क्या है कि ये एड्रेस हो गया, तो इसी एड्रेस इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा तभी आपका जाएगा। अगर आपने डॉट नहीं लगाया है या आपने @ नहीं लगाया है, इसमें से आपने अगर इसका फॉलो नहीं किया तो वो वहां पे नहीं पहुंचेगा और वही मेल वापस आ जाता है। द यूजर इज द नेम ऑफ द इंटरनेट अकाउंट होल्डर, ठीक है, द यूजर इज द नेम ऑफ द इंटरनेट अकाउंट। तो यूजर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा ज्ञानस्थली क्लासेस है तो मैं यूजर हो गई, मैं अपना चैनल, अगर मैं ईमेल बनाऊंगी तो मैं क्या बनाऊंगी, ज्ञानस्थली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा यूजर नेम हो गया। तो इंटरनेट पे हम क्या बनाते हैं, इसी तरह से एक यूजर नेम बनाते हैं और वहां पे अपना एक जो वो हमारा क्या है, एड्रेस है। अगर मुझे आपसे कोई फाइल मंगानी है तो आप मुझे वहां पे सेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा है हमारा इंट्रानेट। तो फिर इंट्रानेट क्या होता है, सो इंट्रानेट क्या है कि जिस तरह से इंटरनेट ग्लोबल लेवल पे हम यूज करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं, उसी तरह से इंट्रानेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डोमेन के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जब कोई छोटे पैमाने पे, छोटे लेवल पे अपने लिए, खुद के लिए एक नेटवर्क तैयार करता है और इसका कोई एक पर्टिकुलर मालिक होता है, कोई एक पर्टिकुलर इसका एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है जिसके अंडर में वो काम करता है। जैसे मान लीजिए ज्ञानस्थली का मैं अपना एक अलग नेटवर्क बना लूं, इसको वही लोग यूज कर सकते हैं जो सिर्फ ज्ञानस्थली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वो क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सिर्फ मेरे लोग, वो जो मैं चाहूंगी वो लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक बिल्डिंग में कोई अगर रह रहे हैं तो सारे लोगों को मैंने दे दिया, तो वो क्या है, इंटरनेट है, अपना खुद का नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसके अंदर में सारी चीजें काम करेंगी। वही इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबली सबके लिए होता है, कोई भी उसको फ्री एक्सेस होता है, उसको कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी उसका लाभ, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो इंटरनेट और इंटरनेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है,
कि जहाँ पे इंटरनेट पर्सनली कोई यूज कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन यूज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, वहीं इंटरनेट ग्लोबली यूज किया जाता है। द वेज ऑफ ऑथेंटिक यूजर्स आर एज फॉलोज। तो जो ऑथेंटिक यूजर हैं, ऑथेंटिकेट यूजर हैं इंटरनेट को यूज कर, कौन कौन से हैं? सर्वर, इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है? सर्वर परमिशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे मैं आपको, मेरा घर में जो वाईफाई लगा है, अगर उसका यूज करना है, मैंने अपना कोई नेटवर्क बनाया है या ज्ञान स्थली का मैंने कोई नेटवर्क बनाया है, उसको आपको यूज करना है, तो आपको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के लिए। आप जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी तब तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। डेटा बेस्ड ऑथेंटिकेशन, और वो भी किस तरह का डेटा बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए? फायरवॉल। फायरवॉल भी क्या होता है कि फायरवॉल में एक, जिस तरह से मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ये वॉल बना दी, ठीक है, इधर लेन है, मतलब लोकल एरिया से कंप्यूटर सारे कनेक्ट हैं, ठीक है, और इधर कोई इसको यूज करना चाह रहा है, तो मैं एक वॉल बना दूंगी कि अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फायरवॉल का जो यूज किया जाता है वो कहाँ यूज किया जाता है? इंटरनेट में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि फायरवॉल क्या होती है। सो बेसिकली फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। तो फायरवॉल क्या है? एक नेट जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो क्या करता है? मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सा नेटवर्क इनकमिंग हो रहा है और कौन सा नेटवर्क आउटगोइंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि जैसे किसी बॉर्डर के स्टेट बॉर्डर पे खड़ा कर दिया गया कि आप ये देखेंगे कि कौन सी जो गाड़ियां हैं वो अदर स्टेट से आ रही हैं और कौन सी गाड़ियां हैं जो यहाँ से जा रही हैं। तो ये क्या हो गई? एक बॉल हो गई बीच में, जो क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है और मॉनिटर कर रही है। तो बेसिकली फायरवॉल का मतलब क्या है कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी का एक सिस्टम है जो कंट्रोल करता है इनकमिंग को और आउटगोइंग को, ठीक है। इसके बाद आईपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। मान लीजिए मैंने कोई अपना खुद का सर्टेन रूल बना रखा है, तो वो भी और भी बहुत सारे रूल्स, या फिर आईपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, XML एंड HTML। देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी दोनों ही एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, ये दोनों ही तरह की लैंग्वेज होती हैं, इनका यूज होता है। तो इनका यूज, और डेटाबेस का भी मतलब आप जान लीजिए कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस का मतलब है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर इन अ कंप्यूटर एंड कैन ईजिली बी यूज और एडिट, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी डेटा रहता है वो क्या है, बहुत बड़े लेवल पे क्या रहता है, सेव रहता है। तो हम जब डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, किसी मल्टीपल लेवल के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और उनको एक साथ फाइल चाहिए है, और मैंने आज क्लास लिया है तो मैंने सबको एक साथ सेंड करना है, तो सारा डेटा जाएगा, तो पर्टिकुलर उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर और डेटा को स्टोर करने का कोई स्ट्रक्चर होगा। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कैसी होंगी? ऑर्गेनाइज रूप में होंगी, तो वो हम वहां से डेटाबेस का यूज करते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन विद एन एंटरप्राइज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये किस तरह का नेटवर्क रहता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क रहता है। देखिए जिन शब्दों पे मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ उनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी तरह का प्राइवेट नेटवर्क है ना। प्राइवेट नेटवर्क शब्द को किसके लिए यूज किया जाता है? इंटरनेट के लिए। आपसे डिफरेंस पूछेगा कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, तो इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है, और इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है। तो एक डिफरेंस हो गया, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। विद इन इंटरप्राइज इट मे कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। लीस्ट लाइन इन द वाइल्ड एरिया नेटवर्क, और हम यहाँ पे लीस्ट लाइन्स इन द वाइल्ड एरिया नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं। टिपिकली एन इंटरनेट इंक्लूड कनेक्शन थ्रू वन और मोर गेटवे कंप्यूटर्स टू द आउटसाइड इंटरनेट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं आउटसाइड इंटरनेट की हेल्प से दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। तो टिपिकली एन इंटरनेट इंक्लूड्स कनेक्शन थ्रू वन और मोर गेटवे। तो गेटवे जो होते हैं उन गेटवेज के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो गेटवे जो शब्द है, गेटवे शब्द का यहाँ पे क्या मीनिंग है ये भी जान लेते हैं। तो गेटवे इज अ पीस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज टू टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर। यानी कि हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को अलाउ करते हैं
कि आप ये इंफॉर्मेशन वहां पे सेंड कर दीजिए. तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरनेट में इसका हम यूज करते हैं. द मेन पर्पज ऑफ इंटरनेट इज शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग एम्प्लॉयज. होता क्या, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में हम चला रहे हैं ना, छोटी कंपनी है हमारा, अब वहां पे ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से इंटरनेट पे ही डिपेंड रहेंगे, लेकिन किसी कंपनी में अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है. तो वो प्राइवेट नेटवर्क क्या है कि किसी कंपनी के जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, कि सभी इंप्लॉयज जो हैं वो इंप्लॉय का क्या कर सकते हैं, इसको एसेस कर सकते हैं. ठीक है, तो एन इंटरनेट कैन ऑल्सो बी यूज टू फैसिलेट वर्किंग इन ग्रुप्स एंड फॉर टेली कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, जैसे बहुत सारी, अब मान लीजिए कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ठीक है, अब हम अगर इंटरनेट का यूज करते हैं तो ये तो फ्री एक्सेस है, मान लीजिए वो हमारा हो सकता है उतना सिक्योर ना हो, लेकिन इंटरनेट हमारा खुद का नेटवर्क है, तो हम उसमें अगर कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, एक कंपनी का, एक कंपनी अपने, अगर उसकी 10 कंपनियां हैं तो उन 10 कंपनियों के जो एमडी हैं उनसे या जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करना चाहते हैं एक कंपनी के एमडी, तो वो आपस में क्या करेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो वहां वो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं. इंटरनेट ऑफर सेवरल फैसिलिटीज दैट एड नॉलेज शेयरिंग एंड दे आर एज फॉलोज. तो इसमें क्या क्या होता है, इजी टू एसेस एंड यूज. इंटरनेट का क्या, इसकी कुछ चीजें हैं जिनको जान लीजिएगा, कि इंटरनेट में हम क्या कर सकते हैं कि इजी टू एसेस है ना, ये आसान ही होती है इसको यूज करने में. यूनिवर्सल एसेस और टू यूनिवर्सल एसेस टू इंफॉर्मेशन, पर्सन टू पर्सन इंट्रैक्शन एंड इनफॉर्मल नेटवर्क. इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ईमेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल इज यूज्ड फॉर चेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो ईमेल क्या होता है, मेल, जैसे मेल का मतलब क्या है कि हम जब किसी को कोई चीज भेजते हैं, है ना, तो हम कहते हैं मेल आया है. जैसे ट्रेन, मेल ट्रेन्स भी होती है ना जिनको मेल ट्रेन्स बोलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. लेकिन जब हम यहाँ पे ई का यूज करें तो ई का मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन है. ठीक है, तो ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो मेल है हमारा, हम जिसमें एक ऐसी सेवा है, एक ऐसा काम है जिसमें हम अपना एक मैसेज सेंड करते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम अपना मैसेज किसी दूसरे पर्सन को सेंड करते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज यूज्ड फॉर चेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रही हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. इन्वेंटेड बाई, ये किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, ये किया गया था टॉमलिसन के द्वारा, राय टॉमलिसन के द्वारा. ईमेल फर्स्ट एंटर लिमिटेड यूज इन 1960 एंड बाय द मिड 1970 हैड टेकन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एज ईमेल. ये 1960 और 1970 के मिड में यूज किया गया था, तब इसको ईमेल कहा गया. ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, ईमेल शॉर्ट में है, इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, जिस तरह से हमारे एड्रेसेस होते हैं वैसे ही ईमेल के भी अपने एड्रेसेस होते हैं. कंसिस्ट ऑफ मैसेज विच आर सेंड एंड रिसीव्ड यूजिंग द इंटरनेट. हम इंटरनेट का यूज करके मेल में जो हमारे मैसेज हैं उनको एक दूसरे के पास सेंड करते हैं. दे आर मैनी डिफरेंट ईमेल सर्विसेज अवेलेबल दैट अलाउ यू टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड अटैचमेंट्स, मैनी ऑफ विच आर फ्री. है ना, बहुत सारे से जीमेल है, तो जीमेल में आपने क्या किया कि आपने मेल भेज दिया, दूसरी जगह पहुंच गया, आपने कहा, किसी ने कहा कि फोटो भेज दी, तो आपने फोटो भेज दिया, किसी ने कहा वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी, आपने वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दिया, किसी ने कहा कोई सॉन्ग भेज दीजिए, तो बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, उसमें अटैचमेंट भी लगा सकते हैं. तो हम वहां अटैच कर सकते हैं बहुत सारी फाइलों को, जो बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री भी होते हैं. टूडे द टॉप थ्री मेल प्रोवाइडर आर याहू, माइक्रोसॉफ्ट, आउटलुक डॉट कॉम, हॉटमेल एंड गूगल जीमेल. तो आज के टाइम पे सबसे जो बड़े वेब मेल हैं, जैसे जीमेल, गूगल का जीमेल है, ठीक है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डॉट कॉम का हॉटमेल है, ये सब क्या है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वेब मेल हैं. मैनी पीपल ऑल्सो हैव एन ईमेल एड्रेस होस्टेड बाई देयर कंपनी, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन. है ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी कंपनी का भी, खुद का भी बना लेते हैं, है ना, खुद का भी उनका एक ईमेल होता है जो बहुत सारे पर्पजेस के लिए होता है. तो जब हम ईमेल बनाते हैं तो ईमेल में फर्स्ट फाइव लाइंस ऑफ एन ईमेल मैसेज इज कॉल्ड ईमेल
हेडर, द हेडर पार्ट्स कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग फील्ड. तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले जब हम ईमेल किसी को करते हैं तो ईमेल में सबसे पहले आप देखेंगे कि फ्रॉम कौन भेजना चाहता है. मैं आपको भेजना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आएगा. उसके बाद डेट, अब किसको भेजना चाहते हैं, टू, क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में आप भेजना चाह रहे हैं. फिर हम यहाँ पे सीसी और बीसीसी, ठीक है, सीसी यानी आप किसी दूसरे को अगर यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे सीसी. मान लीजिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम किसी और एक ही ईमेल एड्रेस को दूसरे को भी भेजना चाहते हैं, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बन कॉपी. तो यहाँ पे सीसी कर देते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तो यहाँ पे दो चीजों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर लीजिए या फिर आप सीसी कर दीजिए, तो एक से ज्यादा लोगों को ये पहुंच जाता है. सो ठीक है, कार्बन कॉपी जो है वो ईमेल एड्रेस में हमेशा होता है, ठीक है. तो हम जिसको भी भेजना चाहते हैं उसको भेज देंगे. अब ब्लाइंड में क्या रहता है कि उसको कोई नहीं देख सकता, उसको वही पर्सन देखेगा जिसके लिए हम भेजना चाहते हैं, ठीक है. तो अब ईमेल आपको भेजने के लिए, किसी को आपको ईमेल भेजना है, तो ईमेल में भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. प्रोटोकॉल होने से पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दिया क्या स्ट्रक्चर होता है ईमेल का, ठीक है. अब स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा और बता देते हैं. तो सबसे पहला होता है ईमेल का हेडर, ठीक है. अब इसको इस तरह से एक मैं बना के आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, है ना, कि कौन किसका पार्ट है. तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हेडर है. हेडर का मतलब क्या है, सबसे ऊपर का पोर्शन है. तो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये वाला, इसको हम हेडर बोलते हैं. बीच में जब हम अपना लिखते हैं, जैसे हाय, हाउ आर यू, माई सेल्फ, अलका, लाइक दैट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट लिखते हैं. जो टेक्स्ट आता है वो कहाँ पे आता है, मिड में आता है, ठीक है. और एंड में क्या आता है, जिसमें आप सिग्नेचर करते हैं, रिगार्ड्स लिखते हैं, फोन नंबर लिख देते हैं. और सबसे ऊपर क्या आता है, हेडर आता है. तो हेडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. तो हेडर में सबसे पहले क्या आएगा, फ्रॉम. फ्रॉम मतलब मैं अगर आपको भेजना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा. इसके बाद डेट आई, किस डेट को भेजना चाह रहे. अब टू यानी कि मैं किसको भेजूंगी, ठीक है. इसके बाद है आपका यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद आता है आपका सीसी और उसके नीचे बीसीसी, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रॉम मेरा खुद का पता, फिर डेट इस तरह से, फिर सीसी यानी कि जो कार्बन कॉपी, यानी कि हम जो भी हमारा रिसीवर है उसको हम जानकारी देना चाह रहे हैं, ठीक है. उसके बाद बीसीसी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, यानी कि हम जिसकी जानकारी किसी दूसरे पर्सन को नहीं जा देना चाहते हैं, ठीक है. उसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा सिग्नेचर टेक्स्ट. फिर टेक्स्ट में हमको जो भी लेटर लिखना होता है वो कहाँ आता है, टेक्स्ट में आ जाता है. और सबसे एंड में क्या आता है, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाते हैं और लाइन. तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी ईमेल को लिखते हैं. तो इसे कह सकते हैं बॉडी ऑफ ईमेल. अब ईमेल का बहुत सारा बेनिफिट होता है कि एक बार में कई सारे लोगों को भेज सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भेजा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही और एकदम से आप एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं. कुछ लोगों को उसी में इंक्लूड कर सकते हैं जिनको आप नहीं बताना चाहते हैं. सो ये बहुत अच्छा माध्यम है भेजने के लिए. तो अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिन प्रोटोकॉल्स का हमको यूज करना होता है ईमेल में भी. ईमेल प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉपरली ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन टू द फ्रॉम द ईमेल सर्विस, ठीक है. तो मेल सर्विस में, सर्वर में जब इन्फॉर्मेशन, आप जिस तरह से इंटरनेट में प्रोटोकॉल्स होते हैं उसी तरह से ईमेल में भी प्रोटोकॉल होते हैं. तो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं. पहला क्या है, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का हमेशा ये वो पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म, इस पर क्वेश्चन भी कई बार आया कि POP क्या है, ये कहाँ यूज किया जाता है. तो ये आपका ईमेल में ये हो जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. दिस इज अ सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर ईमेल बॉक्स ऑन द इंटरनेट एंड डाउनलोड मैसेज टू देयर कंप्यूटर. जैसे मान लीजिए आपने ईमेल अपना ओपन किया, ईमेल ओपन करने के बाद आपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो ये आपको कौन एक्सेस करने दे रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, तो हम उसको बोलते हैं POP3. द सिंपल डिजाइन ऑफ POP3 अलाउ कैजुअल ईमेल यूजर हु हैव अ टेम्परेरी इंटरनेट कनेक्शन डायल अप एक्सेस टू एक्सेस ईमेल, है ना. हमारे पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं. दे कैन रीड देयर ईमेल्स, ड्राफ्ट, न्यू ईमेल्स और रिप्लाई टू ईमेल्स व्हाइल दे आर ऑफलाइन. दे कैन सेंड दीज ईमेल्स व्हेन दे आर
बैक ऑनलाइन, ठीक है। तो ये बहुत आसान है इसको यूज करना। आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो आप इसको भेज देंगे। अगर आपको आपको मैं ऑनलाइन नहीं हूँ फिर भी आपका मैसेज मुझे आ जाएगा, जैसे ही मैं अपना इनबॉक्स ओपन करूंगी वैसे ही क्या आ जाएगा। अगर आपने मुझे पहले भी भेजा रखा होगा तो भी वो मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत आसान है इसको यूज करना। इसके बाद दूसरा है IMAP, तो इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। दिस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल ट्रांसफर बाय यूजर्स, जो ट्रांसफर करते हैं ईमेल को, जैसे लाइक POP3। इट ऑल्सो सपोर्ट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स ऑफ ईमेल एसेस। द ईमेल मैसेज इज डाउनलोडेड टू द यूजर मशीन ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इज मेड टू रीड इट। यूजर कैन डाउनलोड मेल्स टू देयर कंप्यूटर्स वाइल keeping a copy on the server. The mail on the server are the primary copy and anything change on the local machine is used by what is on the server. So ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का प्रोटोकॉल होता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल POP3 भी है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे ईमेल को एसेस करने में हेल्प करता है। आपको लगता होगा कि बिना, हो सकता है बिना इंटरनेट का यूज किए ईमेल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। ईमेल का यूज आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है SMTP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबकी फुल फॉर्म्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये तीन तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एज द नेम सजेस्ट, SMTP इज अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल दैट वर्क्स बेस्ट व्हेन डिवाइस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कब काम करता है, जब डिवाइसेज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। हाउएवर SMTP प्रोटोकॉल and can only be used to send emails unlike POP3 and IMP protocols, ठीक है। ये सिर्फ किस लिए यूज होता है, सेंड करने के लिए। SMTP does not provide the functionality to the user to retrieve emails from the servers, तो ये नहीं provide करता है कि हम retrieve कर सकें emails को server से। This limit the use of SMTP is some extent. वन ऑफ द मेन इशू विद द SMTP इज द लैक ऑफ सेंडर ईमेल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा जो लैक, इसकी कमी है वो क्या है कि ये ईमेल ऑथेंटिक, जो सेंडर है उसको कम इसका ऑथेंटिकेशन रहता है। SMTP लैक्स सिक्योरिटी फीचर्स टू द दस यूजर गेट स्पैम ईमेल्स, ठीक है। जो हमारा स्पैम में ईमेल आ जाते हैं कभी कभी, वो आपने देखा होगा कि आपने कभी किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया तब भी आपको बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आ जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी इशू होता है। उसका रीजन क्या है, SMTP। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, की ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। सो ऑडियो और वीडियो, हिंदी में इसको दृश्य श्रव्य भी बोलते हैं, कि हम बहुत सारा जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ना, तो अब हम यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट या ईमेल का, सॉरी कंप्यूटर या ईमेल्स का यूज करके, या फिर यहाँ पे हम ऑनलाइन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके करते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ अ मीटिंग यूज टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कम्युनिकेट विच इज अदर, इट इज नोन एज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो व्हेन अ नंबर, बहुत सारे जब पार्टिसिपेंट मीटिंग करते हैं, कैसे, टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जहां पे सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन है, तो ऑडियो का मतलब क्या है, जहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोन होता है और उस फोन से आपस में कई सारे लोग आपस में क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलेंगे। अब जब दो या दो से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, किसके गोल फिनिशल किस लिए करते हैं, कि आपस में वो अपनी चीजों को मीटिंग कर सकें, बात कर सकें, और उसमें वो किसका यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जहां पे एक वीडियो रहता है जिसमें उनकी पिक्चर होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग। तो जिसमें फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आज के टाइम पे क्या है कि गवर्नमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बहुत शातिर अपराधी है ना, और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो कोर्ट आए, क्योंकि कोर्ट आएगा तो वो भाग जाएगा, या उसकी खुद की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट, तो कोर्ट ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, आप जेल से ही क्या कर दीजिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिएगा, तो आपको वहां तक आने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर मान लीजिए आज का टाइम है,
अभी सभी जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं और हमें मीटिंग करना है। अगर प्रधानमंत्री को सारे मिनिस्टर्स को कोई मैसेज देना है तो वो क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मैनी ऑनलाइन टूल्स इनकॉर्पोरेटिंग अ रेंज ऑफ ऑप्शन फ्रॉम फ्री 1-to-1 ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल द वे टू मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव टूल्स सच एज पॉलीकॉम विच अलाउ मल्टीपल साइट विद एंटायर क्लासेस पार्टिसिपेटिंग यूजर वीडियो एंड ऑडियो। तो आज के टाइम पे क्या है ना, बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं जिनकी सहायता से, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से क्या है कि बहुत सारे पर्सन हैं जो उसको एसेस करते हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल साइट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जैसे पॉलीकॉम है, तो ये सब क्या अलाउ करते हैं जिससे आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ ऐड कर सकें। सो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे स्काइप का नाम आपने सुना होगा है ना, स्काइप में भी क्या है था? आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, बहुत सारे लोग उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत टाइम को यूज कम टाइम हमारा बच जाता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन में आता है, ये ओरल कम्युनिकेशन में आता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा किस में आता है, कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओरल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, जैसे स्काइप है, जूम है, कैसाइको वेब ईएक्स है, गो टू मीटिंग है, जूहू क्लिक है, एंड वर्क प्लेस वाई फेसबुक है। तो ये सारे क्या रहते हैं, ये कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं ना, तो लेकिन ये ऑफिशियली तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफिशियली काम करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, तो आप स्काइप का यूज कर सकते हैं, जूम का यूज कर सकते हैं, इसमें किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए ये क्या है, सॉफ्टवेयर है जिनका यूज आप करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।